उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक वीरान पड़े मकान में मादा तेंदुए ने 3 शावकों को जन्म दे दिया और अब यहां इससे दहशत का माहौल बन गया है। पिथौरागढ़ के सिलपाटा गांव का ये मामला है। वन प्रभाग के रेंज ऑफिसर बता रहे कि मामला पिथौरागढ़ के सिलपाटा गांव का है, जहां शावकों को पहली बार एक स्थानीय महिला ने देखा जो मकान में अपने पशुओं के लिए चारा जमा करती थी। सोमवार सुबह जब वो चारा लेने गई तो तेंदुए के पास में छिपे होने की आशंका हुई, जिसके बाद वो इमारत से बाहर निकल गई और ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। स्थानीय लोगों की सूचना मिलते ही वहां वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वीरान पड़े घर का जायजा लिया तो देखा कि मादा तेंदुए ने 3 शावकों को जन्म देकर वहीं पर छोड़ रखा है। इस दौरान रेंज ऑफिसर ने कहा कि क्योंकि मकान लंबे समय से खाली पड़ा है, इसलिए तेंदुए को शावकों को यहां जन्म देना आसान और सुरक्षित लगा। उन्होंने ये भी कहा कि हाल के सालों में ये इस तरह की दूसरी घटना है जिसमें एक आबादी वाले क्षेत्र के पास तेंदुए ने अपने बच्चों को जन्म दिया है। वन अधिकारी का कहना है कि फिलहाल मकान को बंद कर दिया गया और साथ ही ग्रामीणों को तेंदुए के अचानक हमले से बचाने के लिए लगातार जागरूक भी किया जा रहा है, क्योंकि मादा तेंदुआ बच्चों को देखने फिर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।